भिवानी सीआईए टू पुलिस ने गन पॉइंट पर चांग गांव के ऑयल मिल से लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हैरानी की बात यह है कि ये आरोपी इसी गांव के हैं और महज 18 से 21 साल के हैं। बता दें कि 20 सितंबर को देर शाम चांग गांव के श्याम ऑयल मिल पर बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर 28,600 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। जब मिल के कर्मचारियों ने इन्हें पकड़ना चाहा तो भागते समय ये एक फायर भी करके गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सीआईए 2 को दिया गया, जिसमें कार्रवाई करते हुए सीआईए 2 के एएसआई सज्जन की टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सीआईए 2 के सब इंस्पेक्टर सुमित ने बताया कि लूट के 3 आरोपी नवीन, अजय और सुनील चांग गांव के ही हैं और महज 18 से 21 साल के हैं। उन्होंने बताया कि नवीन से 2000 रुपए और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। वहीं अजय से 1000 रुपए और सुनील से अवैध पिस्तौल बरामद किया गया है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि चौथा आरोपी चरखी दादरी जिले के मानकवास गांव निवासी अमित उर्फ गांधी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दिनांक 20/9/2022 को हमें एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया कि 4 नकाबपोश लड़के जिन्होंने श्याम ऑयल मिल से गन पॉइंट के ऊपर 28,600 रुपये छीन के फरार हो गए। उसके बाद इसमें कार्रवाई करते हुए हमारे सीआईए स्टाफ के एएसआई सज्जन के कुमार के द्वारा इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनको रिमांड हासिल किया गया, और जिसमें से अभी एक आरोपी फरार है। और दौरान इनके रिमांड के आरोपियों से नवीन उर्फ कप्तान से 2000 रुपये प्लस बाइक बरामद की गई, अजय से 1000 रुपये व एक आरोपी अन्य आरोपी सुनील से और अवैध असला बरामद किया गया है। यानी शहर में से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहाँ के निवासी? तीनों निवासी चांग के रहने वाले हैं और एक नवीन उर्फ कप्तान है, उर्फ पोता जिसका नाम है पुत्र विनोद वासी चांग, दूसरा अजय उर्फ लांडा पुत्र बलजीत वासी चांदान चांग, तीसरा आरोपी सुनील उर्फ नसीब पुत्र अमीर वासी इंदिरा कॉलोनी गांव चांग का निवासी है। महज 18 से 21 साल के नौजवानों द्वारा झगड़ा करने, पुलिस से भिड़ने और गन पॉइंट पर लूट करने जैसे संगीन वारदात के बाद इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जितनी बड़ी कामयाबी है, उससे कहीं बड़ा समाज के लिए सवाल है। आखिर युवा पीढ़ी को अपराध की दलदल में धंसने से कैसे बचाया जाए? सत्य खबर के लिए भिवानी से दीपक मुत्रिशा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।